सीधे चलते बरक दत्ता के न्यूज रूम में आज की लेट नाइट न्यूज के लिए आइए। नमस्कार, मैं हूं बरक दत्ता, आप हैं आप और ये है LNN और आज मैं हेयर कट लेके आया हूं। आज की सबसे बड़ी दिल दहला देने वाली खबर, ट्विटर पर जोक्स मार के स्टैंड अप कॉमेडियन ने बदली दुनिया। जी हाँ, ट्विटर पर आजकल एक साइलेंट रेवोल्यूशन चल रहा है। ढेर सारे स्टैंड अप कॉमेडियंस जिंदगी के बाकी जरूरी काम छोड़कर दिन भर ट्विटर पर जोक्स मारते हैं ताकि हमारे और आपके लिए ये दुनिया एक बेहतर जगह बन सके। इस बारे में और बात करने के लिए सबसे पहले चलते हैं राहुल वर्मा के पास, जो कि बेंगलोर में एक स्टैंड अप कॉमेडियन है। हेलो राहुल। ए बराक, व्हाट्स अप? बराक राहुल, I'm too funny, man. राहुल, मैं आपसे कुछ go. सुना है आजकल आप ट्विटर से दुनिया बदल रहे हैं। Yeah, sure, man. कल मेरा एनडी तिवारी के डीएनए वाला ट्वीट 68 retweets, man. 68 retweets, dude. Like in 2 hours, a rule. Woo! Great. And you know, it was so funny. You know, मैंने लिखा था, एनडी तिवारी इज अ फादर एट 86. दैट मीन्स पॉलिटिशियंस आर नेवर टू ओल्ड टू फक पीपल। गुड जोक, लेकिन इससे दुनिया कैसे बदलेगी? मैन, जोक से दुनिया बदलती है यार। शर्लिन चोपड़ा के प्लेबॉय के न्यूड फोटो के बारे में मैंने जोक मारा था, पूरा इंडिया हिल गया बॉस। चेंज यहीं से आएगा, आउटरेज से। आउटरेज तो ठीक है, लेकिन ट्विटर पर, और वो भी शर्लिन चोपड़ा के लिए। ये लो शर्लिन चोपड़ा वाला ट्वीट सुनो, 142 रीट्वीट्स मैन, 34 फेवरेट्स। थैंक यू। ओके, हियर इट इज। Sherlyn Chopra to pose nude in Playboy. With that, Hugh Hefner becomes the last man on the planet to say a nude. How funny is that? He's the last man on the planet. He's gonna see her. She takes her top off. I died because I'm so old. I can't. Oh my God, Barack! That was hilarious, man. Whew. Okay, thanks, Rahul. Hey! कल शाम को मेरा स्टैंड अप कॉमेडी शो है, ओके, ब्लू एंड वैलेंटाइन नाम के बार में, प्लीज कम, ओके? एंड ऑल्सो लाइक माई इवेंट पेज ऑन फेसबुक एंड ऑफकोर्स लाइक माई पेज ऑन फेसबुक ऑल्सो। आई एम रियली फनी मैन, लाइक सीरियसली फनी। Yes, Rahul, I'll do that. Chutiya. खैर, इस बारे में और किसी से बात करते हैं। Let's try another Twitter revolutionary, another Twitter celeb, मशहूर ब्लॉगर और ट्विटर सेलेब, किशोर विजय। किशोर, सुना है ट्विटर से एक क्रांति आने वाली है। हाँ, मैंने अभी ब्लड ग्रुप रिक्वायरमेंट के लिए ट्वीट भी किया है। 45 आरटीज हो चुके हैं 15 मिनट में। ओह, तो ब्लड मिला? दैट्स नॉट द पॉइंट, दैट्स बीइंग सिनिकल। ब्लड मिला या नहीं, जरूरी बात यह है कि पीपल आउटरेज यार। लेकिन ट्विटर पे आउटरेज करने से क्रांति कैसे आएगी, वो मैं नहीं समझा, सच में नहीं समझा। तो कहां करने से आएगी? बाहर रोड पे। रोड पे तो कोई मर भी रहा होगा तो लोग नहीं देखते। ट्विटर पे कम से कम आरटी तो करते हैं या फेवरेट करके रख लेते हैं, ताकि रात में जब खाली हो तो सुबह की ट्वीट पढ़ के गुस्सा हो ले। दैट्स ह्यूमैनिटी, दैट्स हाउ रेवोल्यूशंस आर बॉर्न। लेकिन फिर भी तुम नहीं समझोगे, तुम चूतिए हो, गेट इट? वेट, ये आपने मुझे बोला? नहीं, तुम्हारे बारे में ट्वीट किया। मीडिया बकवास है, तुम गधे हो, गधे, खच्चर। सारे न्यूज एंकर गधे हैं, इनफैक्ट सारे न्यूज चैनल्स भी गधे हैं। और मैं एक ट्वीट कर रहा हूं।
और बाकी है अभी एनडी तिवारी के डीएनए टेस्ट में पता चला कि वो है पिंकी प्रमाणिक। और कलमाडी ने कहा मुझे इंडिया में ओलंपिक कराने दिए होते तो कम से कम 2 गोल्ड तो चुरा के ले आता। खबरें अभी और भी हैं लेकिन आज मुझे भूत दिख रहे हैं। जय हिंद। को सब कुछ हो सकता है फिर क्यों मुश्किल मुश्किल सा लगता है। तुम मेरी बात समझ सकते हो मैं ना कर सकता हूँ। क्यों नहीं अब क्यों नहीं?